स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स शुरू कर रहे हैं, उसमें एक ये क्वेश्चन देखें जरा। द कंपाउंड्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी, क्या ये है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ एक्स की रिएक्शन भी करवाई जाती है और वाई की। H2O निकालकर प्रोडक्ट्स बनते हैं PQ, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते होंगे, उसमें से H2O तो इन्होंने पहले हटा दिया। दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन देखकर भी लग रहा है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऑप्शंस में। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम फिनाइल हाइड्राजीन की बात करें तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन, इसकी रिएक्शन जब हम फिनाइल हाइड्राजीन से करवाते हैं, NH2NH PH से करवाते हैं, तो यहां से H2O निकालकर, यहां से H2O निकालकर ये एक सी डबल बॉन्ड NH PH बनता है, ऐसे। ये है फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर इट गिव्स फिनाइल हाइड्राजोन। जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका नाम लिखकर फिनाइल हाइड्राजोन लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो यहां होता एसिटल्डिहाइड, तो हम इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है ना। अब मेरी बात सुने आप, इन्होंने कहा है कि दो प्रोडक्ट्स मिले और दो इनिशियल कंपाउंड्स भी हैं, हमारे पास एक एक्स है और एक वाई है। इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है NH2NH PH से, यानी फिनाइल हाइड्राजीन से, तो H2O निकालकर दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं P+Q, ठीक है ना। अब जरा ऊपर ध्यान से देखें प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड N है, जहां N के पास दो ग्रुप्स है, एक लोन पेयर और एक NH PH। नाइट्रोजन इज नाउ कैपेबल ऑफ शोइंग GI। अगर कहीं इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएंगे तो ये GI शो करने के लायक हो जाएगा कंपाउंड, और हम बोलेंगे कि दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस कार्बन के पास सिंगल ग्रुप हो, सेम ग्रुप अगर दोनों पर आ जाए, यानी इस कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं अगर वो सेम होते, आइडेंटिकल होते, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनता और वो GI शो करने के लायक ना होता। अब आप ध्यान से देखें, हमारा एक्स और हमारा वाई मिलकर एक एक प्रोडक्ट ही बनवा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये GI करने के लायक प्रोडक्ट बनाता तो दो बनते, ये GI करने के लायक बनाता तो कुल चार हो जाते। इनमें से कोई एक भी अगर GI करने के लायक प्रोडक्ट बनवाता तो तीन प्रोडक्ट्स का मिक्सर मिल जाता हमको। और क्योंकि हमें केवल दो ही प्रोडक्ट्स का मिक्सर मिला है, दैट मीन्स एक्स कैन गिव ए सिंगल प्रोडक्ट एंड वाई इज ऑल्सो गिविंग ए सिंगल प्रोडक्ट। ऑप्शन से चेक करते हैं, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है CH3 CH2 CO CH3। आप ध्यान से देखें, इस ए ऑप्शन को ध्यान से देखें, इस ए ऑप्शन में कार्बोनाइल कार्बन को चेक करें, कार्बोनाइल कार्बन के पास जो दो ग्रुप लगे हैं वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो इससे हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो दूसरा वाला वाई के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी जो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसमें भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, तो इससे भी दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हम लेके चले एक्स और वाई के लिए, तो कुल चार प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी तरह से बी को देखें, बी में इन्होंने कहा है कि ये PH CO CH3 है, ठीक है ना, इसमें भी दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी ये दो प्रोडक्ट्स बनवाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा है CH3 CHO, तो CH3 इस कार्बन के ऊपर देखें, कार्बोनाइल कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल और एक H, ये भी दो प्रोडक्ट्स बनवाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 4। सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नॉट द आंसर, ठीक है ना, ये भी आंसर नहीं हुआ। सी को देखें, सी में एक तो फॉर्मल्डिहाइड है और एक है एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास क्योंकि कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है तो ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स बनवा लेगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? 3। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी को देखें, डी में इन्होंने कहा कि एक तो है फॉर्मल्डिहाइड और एक है एसीटोन। दिस इज द राइट आंसर, व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द कार्बोनाइल कार्बन इज हैविंग टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, सो सिंगल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय दिस। एंड इवन इन दिस केस ऑल्सो कार्बोनाइल कार्बन इज हैविंग टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, मिथाइल एंड मिथाइल,
So this compound also will form a single product. So total number of products by this combination will be 2. That's why our answer for this question is D. स्टीरियोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में एक अगला क्वेश्चन देखें. ये कंपाउंड है और इन्होंने कहा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल कितने होंगे. ऑप्शंस यहां पर है 2, 1, 8 या 6. देखते हैं. अगर जीआई होना तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए 3 केसेस होते हैं. केस 1, व्हेन अल्कीन हैज अनसिमेट्रिकल एंड्स. अगर अनसिमेट्रिकल एंड्स है तो नंबर ऑफ जीआई होता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू होता है 2 to the power n. ठीक है ना, ये फॉर्मूला है. वेयर व्हाट इज n? n जो है, n है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स या स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं? ऐसा डबल बॉन्ड या ऐसा रिंग जिसकी वजह से जीआई हो रहा. ठीक है ना. केस सेकंड है कि अगर एल्कीन, व्हेन एल्कीन है सिमेट्रिकल है, व्हेन एल्कीन है सिमेट्रिकल एंड्स, अगर ये सिमेट्रिकल एंड्स रखता है, ठीक है ना, तो उसमें भी इफ एन इज इवन तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1. ठीक है ना. ये तब है जब n जो है वो इवन है. ठीक है ना. और अगर n ऑड हो जाए, इफ n इज ऑड, देन फॉर्मूला बिकम्स नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-2. ऐसे ये 3 केसेस हैं. तो हमारा जो कंपाउंड है एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस कंपाउंड को. ये अनसिमेट्रिकल एंड्स वाला है. अगर आप नंबरिंग करें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो आपको नंबरिंग में फर्क आएगा. तो ये अनसिमेट्रिकल एंड्स वाला है. इसमें एक स्टीरियो सेंटर यहां है क्योंकि ये डबल बॉन्ड जी आई शो करने के लायक है. एक स्टीरियो सेंटर यहां है क्योंकि ये डबल बॉन्ड जी आई शो करने के लायक है. और एक रिंग भी जो है वो जी आई शो करने के काबिल है. रिंग पर 2 sp3 मेंबर्स ऐसे हैं जिन पर 2 different groups हैं. एक एच है और एक ये पूरा ग्रुप. इधर एक एच है, एक ये पूरा ग्रुप. तो क्योंकि हमारे पास 3 स्टीरियो सेंटर्स हैं और उसके अलावा ये अनसिमेट्रिकल एंड्स वाला केस है, तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 3. और अनसिमेट्रिकल का केस है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 2 to the power n. तो इस हिसाब से नंबर ऑफ जी आई पॉसिबल फॉर दिस केस विल बी 2 to the power 3. दिस कम्स आउट टू बी 8. दैट मीन्स आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8. सी चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के सीरीज में एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये आपके ऑप्शंस हैं. ये है डाइनाइट्रोडाइफेनिक एसिड, ये है एलीन, ये एक इस तरह का कंपाउंड है जिसमें 2 रिंग्स हैं जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, और आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. जरा इसको देखें, पहले वाले ऑप्शन में ऑप्शन ए में जरा देखें. इसमें एक्चुअली ये जो 2 रिंग्स हैं ना, तो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें COS हो. देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि POS और COS दोनों ही एब्सेंट हो जाए. तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर कहीं COS ना हो. ये POS तो नहीं है लेकिन COS का चांस लग रहा है. इसका अगर हम 3D बनाए ना, बच्चे, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो दो रिंग्स हैं ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं. बेंजीन रिंग एक फ्लैट और प्लेनर मॉलिक्यूल है,
और इसके ऊपर जो ग्रुप लगते हैं वो भी रिंग के प्लेन में ही होते हैं। तो यहां का COOH अगर ऐसे लगा हुआ है और यहां का NO2 ऐसे लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लेनर है। लेकिन इन्हीं दोनों COOH और NO2 और इन चारों की वजह से, यानी ऑर्थो 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 डैश ऑर्थो डैश वाले जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डाइफिनाइल्स हैं, इनमें रिपल्शन की वजह से एक रिंग अगर इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग इस प्लेन में चली जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं ड्रॉ कर सकूं तो बेसिकली ये जो रिंग है ना बच्चे, ये जा रही है अलग प्लेन में, ठीक है ना। इट गोज इन द डिफरेंट प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। ऐसे तो ये जो रिंग है वो प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन में चलेगी। इसके ऊपर जो दो ग्रुप लगेंगे वो इसी रिंग के प्लेन में ही लगेंगे, जैसे यहां पे लग जाएगा COOH और यहां पे लग जाएगा NO2। तो आप देखें, जो हमें भ्रम हो रहा था कि ये COOH और ये COOH जो है वो इस पॉइंट से होकर पास होने वाली लाइन पर है, ये NO2 और ये NO2 इस पॉइंट से होकर पास होने वाली लाइन पर, ऐसा नहीं है। ये COOH बोर्ड के प्लेन में है और ये COOH बोर्ड के प्लेन से बाहर है, तो इसको इससे मिलाने वाली जो लाइन होगी वो सेंटर से होकर नहीं जाएगी। सिमिलरली दिस NO2 एंड NO2 आर ऑन द डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है ना। इसीलिए ये कंपाउंड मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज प्रेजेंट विदाउट प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। दिस कंपाउंड इज नॉट हैविंग कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसमें POS नहीं है, इसमें COS नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है। क्योंकि ये दोनों ही एबसेंट हो गए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब उसमें POS भी ना हो और COS भी ना हो, बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आर एबसेंट टूगेदर, ठीक है ना। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है ना। और वैसे और चेक कर लें, बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में ये एलीन्स हैं, ये एलीन है, एलीन तो एलीन की एलीन का 3D अगर देखोगे तो ये तो है, ये तो इसका व्हाट यू कॉल सिग्मा स्केलेटन है। अब अगर मान लो हमने यहां वाला पाई बॉन्ड बनवाया, अगर यहां वाला पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड वाला पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में हो, सी दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp एंड दिस कार्बन इज sp2, राइट। अगर ये वाला, ये जो बीच वाला कार्बन है उसने पाई बॉन्ड लेफ्ट एक्सट्रीम पर बनवाया मान लो pz से, तो जाहिर है ये जो सेंट्रल कार्बन है ये राइट में जो पाई बॉन्ड बनवाएगा वो pz में नहीं हो सकता, बिकॉज pz इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो अभी या तो py होगा या pz हो, px होगा, py हो या px हो, ये होगा तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है ना। इसका मतलब दो कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स एक प्लेन में नहीं होते, और इसीलिए इनके ऊपर जो ग्रुप्स लगेंगे, जैसे यहां वाला जो ग्रुप लगेगा वो होगा बाहर और भीतर, और यहां वाला जो ग्रुप लगेगा वो होगा बोर्ड के प्लेन में। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड अकर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा है, एक्चुअली 3D में ये मॉलिक्यूल ऐसा है, अगर इसको ऐसे लिख देता मैं ऐसे, तो यहां वाला H बोर्ड के प्लेन में है और यहां वाला H बोर्ड के प्लेन से बाहर और भीतर है ऐसे। लेकिन इसमें POS है, देख लो, अगर हम इसको इसी प्लेन के अलॉन्ग कट कर दें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन POS है, COS भी नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि इसमें POS प्रेजेंट हो जाती है। अगर इन दोनों एंड्स पर जो दो ग्रुप लगे हुए ये सिमिलर ना होते, अगर एक ही एक्सट्रीम कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे आपस में आइडेंटिकल ना होते तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता, बट दिस इज नॉट आर आंसर बिकॉज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। इसी तरह सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में इन्होंने इस तरह से ले लिया है ऐसे, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो इसमें POS प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर है डाइनाइट्रो डाइफिनिक एसिड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में एक क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री POS बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री COS।
हमें इन चारों में से ढूंढना है कि किसमें पीओएस तो है लेकिन सीओएस नहीं है। एक एक करके ढूंढते हैं। जैसे ऑप्शन ए, ए में ये लिखा हुआ है कि यहां पर है एच, यहां पर है CH3, यहां पर है CH3 और यहां पर है एच। इसका अगर 3D विजुलाइजेशन बनाऊं मैं तो 3D में देखो ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है ना, 4-membered रिंग, ये ऐसे दिख रही है, ठीक है ना। ये मान लो बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में है, दिस इज ए 4-membered रिंग, ठीक है। तो इस पर H ऊपर है, CH3 नीचे है, और यहां पर CH3 ऊपर है और H नीचे है। ये ऐसे है, रिंग ऐसे है, राइट वाला CH3 ऊपर है और लेफ्ट वाला CH3 नीचे है, ठीक है ना। तो इवन मेंबर्ड रिंग में अपोजिट कार्बन पे कुछ भी हो POS हो जानी है। इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि 4-membered रिंग हम बोर्ड के प्लेन में ले लें, ठीक है ना। तो यहां वाला CH3 तो है डैश पर और यहां वाला CH3 जो है वो है वेज पर। तो आप देखें यहां से एक POS बन जाएगा, इसमें POS है और इसमें COS भी है क्योंकि इन दोनों मिथाइलों को मिलाने वाली लाइन सेंटर से जाएगी, इन दोनों हाइड्रोजनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन भी इसी सेंटर से होकर जाएगी, इस कार्बन और इस कार्बन को मिलाने वाली लाइन इसी सेंटर से होकर जाएगी, ये इसी सेंटर से होकर जाएगी। तो कुल मिला के इसमें POS भी है और COS भी है। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। हमें तो ऐसे स्ट्रक्चर की तलाश है जिसमें कि POS तो हो लेकिन COS ना हो। तो ये हमारा ए इज नॉट आवर आंसर। बी में चेक कर लो, बी में इन्होंने बोला हुआ है कि बी में ऐसे है, बी में इन्होंने कहा यहां H है, यहां F है, यहां पर H है, यहां CL है, यहां पर CL है और यहां पर H है और ये ब्रोमो है और ये H है। इसका 3D बनवाता हूं, 3D बनाओ। अगर 4-membered रिंग ले लो और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होती है, मान लो ये रिंग जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ऐसे दिख रही होती है ऐसे। तो इस पर यहां इन्होंने H ऊपर लगवाया हुआ है और F नीचे लगवाया हुआ है, यहां पर H ऊपर है CL नीचे है, यहां पर CL ऊपर है और H नीचे है, और यहां पर ब्रोमो ऊपर है और H नीचे है। आप देखें CL ऊपर और नीचे अपोजिट डायरेक्शंस में, यहां पर ब्रोमो है तो यहां पर F है, तो इसलिए ये COS का कोई चांस नहीं है। देख रहे हैं आप, CL की वजह से COS हो सकती थी लेकिन ब्रोमो और F ने सिमेट्री बिगाड़ दी। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें POS भी नहीं है। देखें आप इसे किसी भी तरीके से दो इक्वल हाफ में बांट नहीं सकते जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी हों। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, सी ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि यहां पर है एच, यहां पर है BR, यहां पर है BR, यहां पर है एच, यहां पर है BR, यहां पर है एच और यहां पर है CL, यहां पर है एच। देख रहे हैं आप, इसका 3D बनवाता हूं, 3D बनवाता हूं, 3D में जरा देखें ध्यान से। ये 4-membered रिंग है, ऐसे रखी हुई है बोर्ड के प्लेन में। अगर मान लें कि यहां पर H है और यहां पर ब्रोमो है, यहां पर ब्रोमो है और यहां पर H है, यहां पर भी ब्रोमो है और यहां पर H है और यहां पर CL है और यहां पर H है। तो इस डायगनल के अलॉन्ग, इस डायगनल के अलॉन्ग POS तो है क्योंकि दोनों ब्रोमो सेम साइड है, इसलिए मिरर इमेज बन जाएगी। CL और ब्रोमो वाला जो ये वाला डायगनल है ना जिसमें CL ऊपर है और ब्रोमो नीचे है, इस डायगनल के अलॉन्ग अगर इस मॉलिक्यूल को कट करें तो POS तो आ जाएगी, POS तो इसमें है। लेकिन COS का देख लें, देखिए ये ब्रोमो और ये ब्रोमो सिस मैनर में प्रेजेंट है और किसी सिस ओरिएंटेशन में COS का चांस नहीं है, और वैसे भी इस CL के अपोजिट कोई CL नहीं है तो इसमें COS नहीं है। यही हमारा आंसर होगा, दिस इज द आंसर। ये आंसर हमने, हमें क्या ढूंढना था, हमें ये ढूंढना था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताओ जिसमें POS तो हो लेकिन COS ना हो, दिस इज दैट स्ट्रक्चर। सी इज एक्चुअली द आंसर।
डी ऑप्शन में इन्होंने क्या कहा था, डी ऑप्शन में कहा कि भाई ये बेंजीन है और इस पे 1,4 डाई फ्लोरो लगा हुआ है, तो ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, पीओएस हो जाएगी और प्लेनर मॉलिक्यूल है इसीलिए इसमें सीओएस भी हो जाएगी। देख लो, ये इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाने वाला लाइन सेंटर से होकर जाएगी, इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाने वाला लाइन सेंटर से होकर जाएगी, इस कार्बन को इस कार्बन से सेंटर से होकर जाएगी, एफ और एफ को मिलाने वाली लाइन भी सेंटर से होकर जाएगी। सो देयर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग सीओएस एंड सिंस द मॉलिक्यूल इज प्लेनर दैट्स व्हाई इट इज हैविंग पीओएस आल्सो, अ प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज हैज अ पीओएस, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया ए बी सी डी में से सी ऑप्शन। चलो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है ना स्टीरियो केमिस्ट्री की, इसमें एक क्वेश्चन है द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो आर, मतलब इनमें रिलेशन बताना है, ये दो कंपाउंड्स हैं और आपको बताना है कि आधे इनानशियोमस आइडेंटिकल मीजो कंपाउंड और डाइस्टीरियोमस। मीजो तो कोई रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन इनानशियोमेरिज्म डाइस्टीरियोमेरिज्म ये रिलेशनशिप है। आइडेंटिकल तो तब होगा जब दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हो जाए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है जरा देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला कंपाउंड हमने लिया, ठीक है ना, अब ये पहला कंपाउंड जो है ड्यूटेरियम ब्रोमो एच, यहाँ पर है आयोडीन Cl और H। तो हम एक काम करते हैं कि इसको इसको यहाँ से इस कार्बन और इस कार्बन पर RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम, इसको थोड़ा रफ कर लो। रफ में क्या करें, इस कायरल सेंटर के ऊपर ड्यूटेरियम ऊपर है, ब्रोमो राइट में है, H नीचे, और नीचे एक कार्बन है, इस पर एक Cl है, एक H है, एक I है, ये दिस इज ए ग्रुप। व्हेन यू आर टेकिंग वन कायरल सेंटर अंडर कंसिडरेशन फॉर आर एस कन्फिग्रेशन देन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज जस्ट ए ग्रुप, ठीक है ना। अब इसका प्रायोरिटी दे दो, एटॉमिक नंबर वाइज ब्रोमो इज हाइएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देन दिस कार्बन, देन आइसोटोप्स में हेवियर वाला ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है, फिर फोर्थ। अब फोर्थ को छिपा कर अगर 1, 2, 3 चल के देखें तो फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है और क्लॉक वाइज रोटेशन है ये, तो ये एस हो जाएगा। That means this carbon is S, ठीक है ना। इसको भी देखो जरा, इसको भी निकाल लो, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ पर कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, H लगा हुआ है और ड्यूटेरियम लगा हुआ है, इट्स ए ग्रुप। प्रायोरिटी दो, आयोडीन विल बी गिवन प्रायोरिटी 1, देन क्लोरो, 3 इज टू दिस कार्बन एंड 4 इज टू दिस हाइड्रोजन। 4 को छिपाओ, 1, 2, 3 चल के देखो, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 में ये एंटी क्लॉक रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉक रोटेशन और हॉरिजॉन्टल पर है, ये हो जाएगा R, तो दिस कार्बन इज R, ठीक है ना। अपर कार्बन S है और लोअर कार्बन R है, कन्फिग्रेशन वाइज कायरल सेंटर की बात चल रही है। दूसरा कंपाउंड ले लो, दूसरा कंपाउंड है H, आयोडीन यहां लगा दिया, यहां पे लगाया ब्रोमो और H और ड्यूटेरियम। अब इसमें भी कन्फिगरेशन निकालो, पहले Cl ऊपर है, एच यहाँ है, आयोडीन इधर है और इधर की ओर एक कार्बन जिस पर एच है, डी है और ब्रोमो है, राइट। प्रायोरिटी वाइज आयोडीन इज एट द टॉप, देन क्लोरो, देन दिस कार्बन, देन दिस फोर। फोर को छिपाओ, 1, 2, 3 चल के देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर हो और क्लॉकवाइज रोटेशन मिलता हो तो एस, ये है एस, ठीक है ना। इसको भी निकालो, इसको भी रफ करो, इसमें बिना रफ किए मत करना क्योंकि आरएस में गलती हो जाती है, ठीक है ना। ये कार्बन है, यहाँ आयोडीन है, एच है और सीएल है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। प्रायोरिटी दो, ब्रोमो विल बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी, देन 2 इज दिस वन, देन 3 और ये है 4। 4 को छिपाओ, 1, 2, 3 चल के देखो, ठीक है ना, 1, 2, 3 चल के देखो, ये एंटी क्लॉक रोटेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर हो और एंटी क्लॉक रोटेशन हो तो ये होता है आर। अब जरा ध्यान से देखो, जो नेचर इस कायरल सेंटर का है इससे मैच करता हुआ ये कायरल सेंटर है, ठीक है ना, तो इसको इससे मैच करवाओ और आप देखो इनमें अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यहां एस है तो यहां आर। इसी तरह दीज टू कायरल सेंटर्स, दिस वन एंड दिस वन आर ऑफ सेम नेचर बिकॉज दे आर हैविंग सेम सेट ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सी एच आई सी एल एंड दिस ग्रुप, यहां पर भी देखो एच आई सी एल और ये देख, और करस्पॉन्डिंग कन्फिग्रेशन इज अपोजिट, यहां पर R है और यहां पर S है। जब भी कभी ऐसी स्थिति आए कि करस्पॉन्डिंग सेम नेचर कायरल सेंटर्स आर हैविंग अपोजिट कन्फिग्रेशन
और देख लो कि ऑप्टिकली एक्टिव भी हो. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव. टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन विच करिस्पॉन्डिंग सेम नेचर कायरल सेंटर्स आर हैविंग रिस्पेक्टिवली अपोजिट कन्फिग्रेशन, देन दे आर कॉल्ड इनांशियोमर्स. इनांशियोमर्स, ठीक है ना. ऑल दो दे डोंट लुक लाइक मिरर इमेजेस बट दे आर इनांशियोमर्स. तो ये कंपाउंड एक दूसरे के इनांशियोमर्स होंगे, ठीक है ना. तो हमारा आंसर होगा ए. उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है CH3CHBr CHBr CHBr CH3. दिस इज 2, 3, 4 ट्राइब्रोमो पेंटेन, राइट. इसमें ये कार्बन स्काइरल है. टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द एबव कंपाउंड कैन बी 6, 8, 4, 16. चेक करते हैं. इसमें एक चीज मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब कभी ऐसा हो ना, इस तरह की जब समस्या आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं ये कार्बन काइरल ना हो, ये वाला कार्बन काइरल ना हो, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं. ऐसा नहीं है. ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सूडो काइरल कार्बन. क्या बोलते हैं इसको? सूडो काइरल कार्बन. सूडो काइरल कार्बन, PCC. ये ऐसा कार्बन है. क्यों? क्योंकि ये जो काइरल है ना, ये काइरल है और ये काइरल है. अगर यहां R हुआ और यहां भी R कन्फिग्रेशन हुआ तब तो ये काइरल नहीं होगा. अगर यहां S कन्फिग्रेशन हुआ और यहां S कन्फिग्रेशन हुआ तो भी काइरल नहीं हुआ. लेकिन तब क्या होगा जब यहां R हो और यहां S हो जाए? अगर ऐसा हो जाएगा तब तो ये कार्बन काइरल हो जाएगा ना. तो ऐसा कार्बन जो काइरल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हैं उनके कन्फिग्रेशन में डिफरेंस हो जाता है. समझो एक R हो गया और एक S हो गया तो ये हो गया काइरल, ठीक है ना. तो ऐसे कार्बन को हम सूडो काइरल कार्बन बोलते हैं. सूडो काइरल कार्बन कब पाए जाते हैं? समझो मैं यहां पे करता हूं. अगर मान लीजिए आपको हमने बताया कि ये है R, ठीक है ना, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है, ये है S, या ये भी जो है ये R ले लिया हमने और ये ले लिया R, ठीक है ना. दोनों काइरल सेंटर्स R R है. तो यानी कार्बन नंबर 2 इज R, कार्बन नंबर 3 इज अ काइरल और कार्बन नंबर 4 इज R, ठीक है ना. अगर हमने एक और स्ट्रक्चर बनाई जिसमें हम दोनों को S S ले लें, 2 और 4 को S S ले लें, ठीक है ना. जैसे ये है S और ये है S, ये कार्बन भी S हो गया और ये कार्बन भी S हो गया. तो जब 2S होगा, 2 इज S एंड 4 इज S, देन 3 इज अ काइरल अगेन, ठीक है ना. लेकिन तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन केस व्हेन 1 इज R एंड द अदर इज S. One is R and the other is S. Then in that case, if it is R and this chiral center is S, तब तो third वाला chiral हो जाएगा ना. तब तो third carbon chiral हो जाएगा ना. हम इसको ऐसे लिखेंगे 2R, 3 is chiral now and 4 is S, ठीक है ना. Similarly अगर ये S हो जाए, 2S हो जाए और 3R हो जाए, ठीक है ना. 2 इज S एंड 3 इज R, देन ऑल्सो 2S, थर्ड कार्बन इज काइरल एंड फोर्थ कार्बन इज R. ये जो कार्बन है ना, ये काइरल इसीलिए हो गए. दिस कार्बन नंबर 3 इज नाउ काइरल बिकॉज टू आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड आर हैविंग डिफरेंट कन्फिग्रेशन. तो ऐसे कार्बन को हम सूडो काइरल सेंटर बोलते हैं. ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? सूडो काइरल सेंटर. जो काइरल इसलिए हो गए क्योंकि इनके पास जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट थे उनके कन्फिग्रेशन में डिफरेंस था, ठीक है ना. तो अब हमें फॉर्मूले में कैसे रखना चाहिए? फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो दो केसेस बनते हैं. केस वन, व्हेन कंपाउंड हैज अनसिमेट्रिकल एंड. अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल एंड रखता है देन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स. ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये बन गया. केस सेकेंड, व्हेन कंपाउंड हैज सिमेट्रिकल एंड्स. अगर सिमेट्रिकल एंड्स हैं तो दो केसेस बनते हैं. इफ एन इज इवन देन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n upon 2 minus 1. ठीक है ना, एंड इफ एन इज ऑड देन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थोड़ा सा अलग है, ये फॉर्मूला लास्ट वाला इज 2 to the power n minus 1 सिंपली. ठीक है ना, दिस इज 2 to the power n minus 1. अब आप चेक कर लें, अगर इस कंपाउंड में तीनों को कायरल मान लें तो 2 to the power 3 minus 1 4 बनते हैं हमारे कंपाउंड में. हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा भाई? हमने क्या किया हुआ है, हमने तीन कायरल सेंटर ले लिया है. ठीक है ना, तो तीन कायरल सेंटर्स है और सिमेट्रिकल एंड वाला है ये, एन इज इक्वल टू 3 है और सिमेट्रिकल एंड वाला है, तो 2 to the power 3 minus 1 दैट कम्स आउट टू बी 4. और ये जो चार है ये मैंने बना रखा है, चार में दो ऐसे हैं जिसमें थर्ड वाला कार्बन कायरल नहीं है और दो ऐसे हैं जिसमें थर्ड वाला कार्बन कायरल है. और एक और बात गौर करें आप, सूडो कायरल सेंटर इज नॉर्मली प्रेजेंट इन केस व्हेन द कंपाउंड इज मीसो कंपाउंड. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के केस में पीसीसी यानी सूडो कायरल सेंटर तभी प्रेजेंट होता है जब कंपाउंड मीसो होता है. ठीक है ना, तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी इज द आंसर.